नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है। अध्ययन के इस निरंतर क्रम को आगे जारी रखते हुए हम इस वीडियो में पंडित बालकृष्ण भट्ट का निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है के विषय पर चर्चा करते हैं। पूर्व में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय तथा इस निबंध का उद्देश्य स्पष्ट किया था। अब हम प्रथम अवतरण की व्याख्या करेंगे। पहला अवतरण है, प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता रहता है, तब उसकी मुख छवि तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, वह भी या तो फुट ही ढोल के समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित कमल सा, प्रफुल्लित नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिरहरी की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी तप बसंत मदमत कोकिला के कंठ रव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। इसका प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है नामक निबंध से लिया गया है। इस निबंध के रचयिता पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। इस गद्यांश में भट्ट जी ने साहित्य को समाज का दर्पण बताया है। कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हम कर लेते हैं। शोक संकुल का अर्थ है दुख से व्याप्त। तमसाच्छन्न, निराशा रूपी अंधकार से घिरा हुआ। फिरहरी का अर्थ होता है चक्री। मलिन, मलिन का अर्थ होता है उदास। व्याख्या करते हैं इसकी। लेखक ने निबंध की प्रारंभ में बताया है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के समाज के लोगों के विचारों का आदर्श रूप होता है, अर्थात किसी देश के साहित्य से प्राप्त हो सकता है। जो जाति जिस समय जिस प्रकार की मानसिकता से भरी रहती है, उसकी उस मनोदशा को उस समय के वहां के साहित्य के अनुशीलन से भली भांति जाना जा सकता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब मनुष्य का मन दुख शोक से भरा रहता है, क्रोध से तमतमाता रहता है या क्या करें या क्या न करें, ऐसी स्थिति में उसके मुख की सुंदरता भी कांतिहीन तथा निराशा रूपी अंधकार से ढकी हुई के समान मलिन और उदासीनता के कारण फीकी पड़ जाती है। ऐसे निराशापूर्ण शोक ग्रस्त समय में उस मनुष्य के मुख से जो भाषा निकलती है, वह भी फूटे हुए ढोल की ध्वनि के समान बेताल बेसुरी रहती है। इसके विपरीत जब मनुष्य अत्यधिक प्रसन्न रहता है तथा समाज में सभी सुखी तथा आनंदमय जीवन जीते हैं, उस समय मनुष्य की मुख छवि
खिले हुए कमल के समान शोभायमान, आनंद की अनुभूति से फैले हुए नेत्र मानो हंस रहे हों। मनुष्य के शरीर का प्रत्येक अंग चंचलता से फिरकी की तरह दोलायमान सा लगता है और मनुष्य के मुख से निकलने वाली जो वाणी है वह भी कोयल की तरह मधुर मन को आकर्षित करती है। उसी भांति मनुष्य की वाणी भी मधुर लगने लगती है। इसका विशेष संदर्भ है, इस गद्यांश में लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार से मनुष्य की मनोदशा का ज्ञान उसके चेहरे से हो जाता है कि वह सुखी है अथवा दुखी है, उसी प्रकार से जिस समय किसी समाज में मनुष्य की जैसी स्थिति रहती है उस समय उसी प्रकार की साहित्य सर्जना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।